अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यास्मीन खान। वाईके किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का सालन। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। एक किलो चिकन और ये हरा मसाला, 7 से 8 हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन, 1 मुट्ठी धनिया पुदीना, 1 टुकड़ा गिल्ला खोपरा और ये एक प्याज है और ये सूखा खोपरा जो हमें तेल में फ्राई करके लेना है। और ये है गरम मसाले, 2 चम्मच धनिया, अखा धनिया, 5 से 6 काली मिर्ची, 1-1 इंच के 2 दालचीनी, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1/2 चम्मच खसखस, बादियानी फूल के 3 टुकड़े, 1/2 चम्मच साई जीरा, 1/2 चम्मच जीरा, 4 चम्मच ऑयल, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। चलिए हम पहले अखे गरम मसाले भून लेते हैं 5 से 10 सेकेंड तक। एक चम्मच ऑयल लेके उसमें कांदा और सूखा खोपरा फ्राई कर लेंगे 5 से 10 सेकेंड तक। हमारा मसाला भून चुका है, अभी हरा मसाला ऐड करके उस सब बारीक पीस लेंगे। इस तरह मसाला पीसना है। ऑयल ऐड करेंगे, अब इसमें मसाला हम भून लेंगे 10 से 15 मिनट। टमाटर ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर मिक्स करके इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। इसे लो फ्लेम पे भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है, अभी चिकन ऐड करेंगे। चिकन के गले तक अभी इसे हम पकने देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। चिकन को पकने देंगे 10 मिनट तक। हमारा चिकन गल चुका है, इसे हम ग्रेवी कर लेंगे। 5 मिनट उबाल के इसमें कोथमीर डाल के गैस बंद कर देंगे। हमारा चिकन का सालन अभी रेडी हो चुका है, अभी इसे सर्व कर लेंगे।
चिकन का सालन, इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।